हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंजलि कुमारी में। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और ये रहा सेकेंड दिन तो नहीं बोलेंगे, पार्ट टू बोलेंगे इसको, क्योंकि पिछले वाला ब्लॉग में आप लोग नाथुला बॉर्डर देखे थे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आ गए थे, क्या बोलते हैं इसको, बाबा हरभजन सिंह। तो ये यहाँ के प्रचलित है अभी तक का सुनने में आता है। और हम लोग जब यहाँ घूमे भी थे तो बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि इनका स्टोरी जान के और यहाँ घूमने में भी और यहाँ का हर चीज़, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छा सुनने में आया था। जैसे कि यहाँ का पानी के लेके और यहाँ का मान्यता को लेके बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर घूमने में। और मैं अगर किसी को भी अगर गैंगटोक या सिक्किम जाने का मतलब मन हो तो यहाँ अगर आप लोग स्टे करिएगा, आइएगा, घूमिएगा तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं स्पेशली मैं इस चीज़ को ज़रूर बोलूँगी कि यहाँ आप लोग ज़रूर जाइए और घूमिए। और मैं गई, मुझे स्पेशली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ बाहर भी दुनिया में ऐसे ऐसे भी चीज़ है जो हम लोग के बीच में, जिन्हें हम लोग अभी तक देखे हुए नहीं थे। तो बोला जाता है ना कि जब आप बाहर निकलोगे और फिर देखोगे तो पता चलेगा कि अभी भी आप लोग के बीच में इतना कुछ पड़ा हुआ है। तो वो चीज़ को देखने के लिए मिला। और जिन लोग अगर गए होंगे और जिन लोग नहीं गए होंगे तो मैं बता देती हूँ कि यहाँ जो बाबा हरभजन सिंह है, ये रियल स्टोरी है। सुनते हैं कि ये कभी किसी मतलब टाइम में जब वहाँ का रक्षा करते हैं, वहीं जहाँ वो जिस जगह हम रहते हैं चाइना बॉर्डर का, तो उन लोग अपना काम करते थे वहीं पे। और शायद बाढ़ आया था कि क्या, उस टाइम वो बह गए थे। अभी तक कोई देखा नहीं है कुछ, मतलब किसी को पता नहीं है कि वो अभी हम लोग के बीच में नहीं है। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि शायद एक बाढ़ आया था, उसी में मतलब वो बह गए हैं। तो उनका अभी भी यहाँ का पर जो क्या बोलते इमेज वगैरह, मूर्ति वगैरह बना के रखा गया, उसका कारण है पीछे, क्योंकि वहाँ मतलब वो अभी भी रक्षा करते हैं उस जगह को। आप लोग बोलिएगा कि वो तो इस दुनिया में है ही नहीं, लेकिन रक्षा कैसे करते, बट ये रियल स्टोरी है। मैं भी इस चीज़ को जान के शौक हूँ, बट सुनी थी तो अच्छा लग रहा था कि मतलब वो अभी भी सभी वहाँ का जो भी सोल्जर है उन लोग के मतलब सपने में आते हैं, और कुछ भी घटना होने वाला होता है तो वो पहले ही बता देते हैं कि ये घटना होने वाला है। तो अभी भी मतलब सब लोग के मतलब सबका कहना है वहाँ के लोगों का कि अभी भी हम लोग के बीच में बाबा हरभजन सिंह है। तो इसीलिए उनका अलग से एक रूम बनाया गया है जहाँ पर उनका ड्रेस है, सोने का बेडरूम है और सारे कुछ रखा गया है। और उनका चाय वगैरह, खाना वाना सारा कुछ उनको टाइम टाइम पे दिया जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि उनका जो ड्रेस होता है, जो पहनते हैं अपना वर्दी, वो उसमें भी कभी ना कभी गंदा लगा हुआ रहता है। तो सबका कहना रहता है कि वो अभी भी रखवाली करते हैं। और फिर छुट्टियों में उन छुट्टी भी उनको मिलता है। और फिर भी जो उनका पैसा होता है वो मतलब कि जो होता है उनका घर, वहाँ भी उनका पैसा घर में भी जाता है। तो ऐसा माना गया है कि अभी भी वो सबके बीच में हैं। और ये रियल स्टोरी है, वो चीज़ मैं भी बोलूँगी और जिन लोग को पता होगा उन लोग को भी, और जो गए होंगे वहाँ स्पेशली, जिन लोग नए गए हैं उनको तो मैं बता ही दी। और अगर मोबाइल वगैरह में भी सर्च करिएगा तो उनका हिस्ट्री अच्छे से आप लोग को पता चल जाएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा था स्पेशली वहाँ घूम के। और फिर वहाँ का जो फिर वाटर होता है, जो पानी होता है बोतल का, वहाँ का वो मान्यता है कि अगर किसी का तबीयत वगैरह ख़राब हो जाता है तो वहाँ का पानी भी आप घर ले जा सकते हैं, और 21 दिन तक पिलाना होता है। और अगर तबीयत ख़राब है, बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रहा है, वहाँ जो बोला गया था उस चीज़ को मैं भी सुनी, और फिर उस चीज़ को आपको भी मैं बता रही हूँ। बट मैं वहाँ से लेके आई थी पानी, क्योंकि मेरी जो माँ थी, सासू माँ, उनका तबीयत ख़राब चलता था। तो अभी मैं तो दी हूँ, पी रही है, अभी देखिए 21 दिन तक का क्या रिजल्ट होता है। और जो सुनते हैं वो करते हैं, जो सभी लोग कर रहे थे, तो मुझे लगा जब सबको एक ले रहे हैं तो मैं क्यों नहीं लूँगी, क्योंकि इतना दूर आई हूँ, अगर हो सकता है ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। तो मैं लेके आई थी और प्रसाद भी मिल रहा था और पानी भी मिल रहा था, तो मैं वाटर ली थी, जो कि मेरी माँ सासू माँ भी पी रही है। और लगभग हमको लगता है, मुझे लगता है कि अब शायद कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद फिर हम लोग फिर उसका फिर क्या बोलते हैं, ये सेकेंड दिन का है। इसमें मतलब हम लोग का जो 7 पॉइंट होता है उसको फिर सारा कवर कर रहा है। हम लोग गैंगटोक में 2 ही दिन स्टे किए थे। फर्स्ट दिन तो बाबा हरभजन सिंह घूमे थे और नाथुला बॉर्डर, उसका नेक्स्ट दिन घूमे थे क्या बोलते 7 पॉइंट। तो सारे मतलब पॉइंट हम लोग घूम लिए थे एक ही दिन में। और ये रहा कोई जू है,
तो यहाँ का फ्लावर वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था देख के। और स्पेशली मुझे लगता है शायद ये फ्लावर पार्क होगा, मैं तो इसको नाम फ्लावर पार्क से बोलूँगी, बट इसको कुछ जू करके सारे कोई बोल रहे थे। थैंक यू सेकेंड और थर्ड पार्ट देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब।